सचिन वाझे यांना माझी हाय लागेल असल्याचं खाजा युनूसची आई म्हटलेली आहे. 2002 मुंबई घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणी परभणीचा तरुण खाजा युनूसला अटक करण्यात आली होती. खाजा युनूसचा मृत्यू हा तपासादरम्यान पडून झाला असल्याचा त्यावेळी दावा करण्यात आला होता. मात्र ते कुटुंबियांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पोलिसांनीच त्यांचा कोठडीमध्ये मृत्यू केल्याचा उघडकीस आल्यानंतर युनूस खानच्या आईने हे वक्तव्य केलेलं आहे. 2002 मुंबई घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणी परभणीचा तरुण खाजा युनूसला अटक करण्यात आली आहे. खाजा युनूसचा मृत्यू हा तपासादरम्यान पडून जात असताना झाला असा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र खाजा युनूस याच्या कुटुंबियांनी न्यायालयात लढा दिला आणि तो लढा जिंकला. हा खाजा युनूस या तरुणाचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत पोलीस कोठडीतच झाला असा निर्वाळा न्यायालयानं दिला होता. सोबत खाजा युनूस यांच्या कुटुंबियांनी नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे आदेशही दिले होते. मागील 18 वर्षांपासून खाजा युनूसची आई न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांचा लढा अजूनही सुरू आहे. खाजा युनूस मृत्यू प्रकरणी सचिन वाझे यांच्यावर पहिल्यांदा निलंबनाची कारवाई झाली होती. ते एकूण 16 वर्ष निलंबित होते. जून 2020 पुन्हा ठाकरे सरकारने सचिन वाझे यांना पोलीस दलात सामावून घेतलं. सचिन वाझेंवर ठाकरे सरकार मेहरबान झालं नसतं तर आज ठाकरे सरकारच्या अडचणी वाढल्या नसत्या. चारही बाजूनं ठाकरे सरकारवर टीका झाल्या नसत्या. सचिन वाझे यांना माझी हाय लागेल अशी प्रतिक्रिया परभणीच्या खाजा युनूसच्या आई आशिया बेगम यांनी दिल्या आहेत. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी. जबकि खाजा युनूस का खातिर सचिन वाझे है जिसने खाजा युनूस की लाश को खाजा युनूस को मार के उसकी लाश को जला दिया गया है तो उसको फिर से सरकार ने नौकरी पर ली. तो मैं कहती हूँ कि सरकार ने उसको जब खाजा युनूस का खातिर था सचिन वाझे तो उसको नौकरी पर क्यों लिया गया और उसके साथ 3 और पुलिस वालों को नौकरी पर लिया गया. अगर आज उनको नौकरी पर नहीं लिया जाता था तो इतनी सरकार को नौबतियाँ आती थी. और सरकार को तो मालूम थी कि खाजा युनूस के खातिर है. फिर भी खाजा सरकार ने खाजा युनूस के खाते लोगों को नौकरी पर लिया, वो भी तरक्की के साथ लिएगा सचिन वाझे को. तो मैं कहती हूँ कि जब हमारे बेटे को वो लोगों ने अपने इतना कस्टडी करके मार दिया हमारे बेटे को और उसकी लाश को जला दिया और माँ बाप के हवाले नहीं किए तो आखिर हम पर क्या गुजरी. अब जब सचिन वाझे को पकड़ा गया तो सारे न्यूज़ वाले परेशान हैं, पूरा महाराष्ट्र परेशान है, सरकार पूरी परेशान है. यहाँ तक ये रहा है लोग जितने भी पुलिस वाले ऑफिसर हैं परेशान हैं और एक गरीब के बेटे के वास्ते कोई परेशान नहीं हुई बल्कि उसके खातिलों को वो लोगों ने नौकरी पर तरक्की से ले लिए. आज सरकार अगर तरक्की पर ले लेती थी सचिन वाझे को तो आज सरकार को इतनी नौबत ना भुगतने पड़ती थी. मैं तो कहती हूँ कि ये हमारी हाय हाय बदवा कभी खाली नहीं जाएगी खाजा युनूस की वालदा की कि आज खाजा युनूस के खातिल छूट गया जो उसकी सरकार ने उसको छोड़ दिया और तरक्की पर उसको लिया गया तो ये खाजा युनूस की वालदा की हाय हाय बदवा है. फिर से उसको तरक्की पर लेके सरकार को क्या मिला बल्कि सरकार को तो ये नौबत आ गई कि पूरा महाराष्ट्र परेशान है, सरकार भी परेशान है सचिन वाझे की वजह से और फिर सचिन वाझे को भी इतनी बड़ी परेशानी उठाना पड़ी. अगर हक ईमान से सरकार हमारा साथ देती थी तो आज ये सरकार की नौबत नहीं आती थी.